सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा जी। नमस्कार। अरे आइए गिरीश जी, बैठिए बैठिए। रावणी बेटा आ जाओ, आज तेरे पापा है। विश्वास राव जी, आप सबसे मेरी एक विनती है। गिरीश जी, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है और रिश्तों में बिनती नहीं होती है। जो कुछ भी कहना सुनना है हक से कहिए। श्रावणी मेरी इकलौती बेटी है और हर बाप की तरह अपनी बच्ची की शादी को लेके मेरे भी कई सपने हैं। मैं चाहता हूं कि श्रावणी की डोली मेरे घर से उठे, उसकी विदाई मेरे घर से हो। मैं श्रावणी को शादी से एक दिन पहले मेरे घर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जिस घर में उसका बचपन गुजरा, वो पली बड़ी हुई, वो घर इसका इंतजार कर रहा है। क्योंकि आज तक ये इस घर में एक बेटी बन के रही है, लेकिन अब वो एक बहू बनकर इस घर में आएगी, तो कम से कम शादी से एक दिन पहले वो अपने मायके रह सके तो आप बेशक ले जा सकते हो उसको, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात और कहनी थी। बोलो ना। मानव चाहता है कि शादी सीधे सादे ढंग से हो। अब इनिशियली तो मैंने उसे हाँ कर दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। श्रावणी मेरी इकलौती बेटी है और कम से कम एक कन्यादान का पुण्य तो मैं पा सकूँ। मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों से। अगर ये शादी पारंपरिक ढंग से सारे रीति रिवाजों के साथ हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी चलता हूँ। अर्चू, अरे कहाँ रह गई थी? मैं कब से इंतजार कर रही थी, अभी तो फोन करने वाली थी, पता है? आज वो वहाँ पर। पुन्नी, आई तो ये सवाल मैं पुन्नी को तैयार करके लाती हूँ। आहो, लाओ कर तैयार हो। हाँ आई। मुझे लगता है लड़का लड़की को थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे को समझ सके। हाँ क्यों नहीं। अर्जुन, इन्हें अंदर लेकर जाओ। मेरे आई बाबा ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मेरे बारे में। मैं एक आम लड़का हूँ। जनरली उस उम्र के लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे भी लगती हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्टी शार्टी करना टाइप। और हाँ,
इससे पहले मेरा एक अफेयर रह चुका है, पर वो वर्कआउट नहीं हो पाया। बाकी मेरी आई ने मेरी जॉब वगैरह के बारे में तो बता ही दिया होगा। That's all about me. तुम अगर चाहो तो मुझसे कुछ पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगने लगी हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। तुम्हारा जो भी जवाब होगा वो मुझे मंजूर है, तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। चले जी, आप जाइए, मैं आती हूँ। वैशु, क्या बात है, तुझे लड़का पसंद नहीं है क्या? देख, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं है ना, तो मुझे पता, मैं आई पापा से बात करती हूँ, उन लोगों से बात करती हूँ, वो मेरी बात जरूर समझ जाएंगे। नहीं ताई, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के में ना पसंद करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है तुझे रिश्ता मंजूर है ना? मैं खुशखबरी आई बाबा को बताकर आती हूँ। आई, वर्षों को रिश्ता मंजूर है। अभिनंदन सुलोचना, तेरी तीनों बेटियां अपनी जिंदगी में सेटल हो गई। एक से बढ़कर एक दामाद मिले तुझे। काकी, ये मिठाई बाकी सबको देना। नहीं काकी, इससे पहले हक आपका बनता है, क्योंकि आप ही हमारी वैशु के लिए इतना अच्छा लड़का लेकर आई है ना। दिनों दिन बाबा की तबीयत खराब हो रही है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे से कैंसर के डॉक्टर से उनका इलाज कराऊं, लेकिन पैसे आने का कोई जरिया ही समझ में नहीं आ रहा यार। और उस धर्मेश को 3 लाख रुपए वापस कर ले, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। या मानव, बाबा के इलाज के बंदोबस्त का टेंशन मत ले, वो तो हम लोग यहाँ नहीं तो वहां से कर ही लेंगे, क्योंकि आजकल ये फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, जो ये सब चीजों में मदद करते, तो क्यों टेंशन ले रहा है, ये सब तो ठीक हो जाएगा। पर यार, ये धर्मेश का 3 लाख रुपया आज की तारीख में, मानव यार, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता मुमकिन हो सकता है। यार तू एक काम क्यों नहीं करता मानव, तू उस धर्मेश के पास जाओ और उसको बोल कि पैसे देने में हम लोगों को कुछ देर लगेगी। अरे उसका जो भी ब्याज बनता है हर महीने के महीने चुकाते रहेंगे उसको, तो बाकी जो असल अमाउंट है वो थोड़े दिनों में उसको लौटा देंगे वापस। चल चाय पी। मानव, क्या हुआ, कोई और परेशानी है क्या? कल बाबा से बात हुई थी, वो कह रहे थे तू और अर्चना एक हो जाए, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है और मैं आखिरी सांस तक वो सपना देखता ही रहूंगा। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माना, बात करने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या बात करते हैं हमें सिर्फ तकलीफ होती है और कुछ नहीं। माना अर्चना, एक और बात माना, 3 दिन बाद आपकी श्रावणी के साथ शादी हो रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम।
बार 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 वो यही बात दोहरा रहे। मुझे कैसे बताऊंगा कि उनका बेटा मजबूर है, नहीं मान सकता उनकी आखिरी इच्छा। तू क्या चाहता है? अरे मैंने देखा है तेरे प्यार को इतनी करीबी से। यार मैं जानता हूं तेरी जिंदगी में जिम्मेदारियों से बढ़कर तेरे लिए कुछ और नहीं है। मानव एक बात मुझे सच बता, आज तू वहीं के यहाँ क्यों गया था? हाँ बाबा की बीमारी के बारे में बताने के लिए? हाँ अरे क्यों नहीं बोल रहा है? तू अपने बारे में बताने गया था, पर क्यों कर रहा है ऐसा? मानव तू अपने आप को क्यों दुख पहुंचा रहा है? जी मुझे धर्मेश जी से मिलना है। क्या नाम बताया आपने? मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। तो फिर सर आज आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि आज दिन भर से मीटिंग्स लाइनअप हैं। देखिए आप उनसे एक बार बात करिए, उनसे कहिए कि मानव आया है, बहुत अर्जेंट काम है। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ी देर के लिए वो जरूर मिलेंगे। हाँ सक्सेना सर। हाँ 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 मैंने वो साइट देखी है। हाँ आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है और गाड़ियों की चहल पहल लगी रहती है। पास में कोई दूसरा गैरेज भी नहीं है तो मेरे हिसाब से वहां पे अपना गैरेज अच्छे से चल सकता है। हाँ एक मिनट आप होल्ड कीजिए। यस सर आपसे कोई मिलने आए हैं, कह रहे हैं कि कुछ अर्जेंट काम है। मैंने तुमसे कहा था ना आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। सर मैंने कहा उनसे लेकिन वो उनका मिलना जरूरी है। क्या नाम है? मानव। ठीक है भेज दो। आप अंदर जा सकते हैं। जी शुक्रिया। मैं आपको फोन करता हूँ बाद में। हाँ ओके बाय। आओ मानो बड़े जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया, आओ बैठो। जी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है लेकिन ये ब्याज लेके आया हूँ मैं। सर मैं जल्दी पैसों का इंतजाम भी कर दूंगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है? तुम गिरीश अंकल के होने वाले दामाद हो, इसीलिए मैं तुमको आखिरी मौका देता हूं। इसके बाद मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। 3 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है लेकिन मेरी मेहनत का एक एक रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। गुड। काम क्या करते हो तुम? तुमने पिछली बार बताया था लेकिन मैं भूल गया। जी मेरा खुद का एक गैरेज था लेकिन म्युनिसिपैलिटी वालों ने उसे बंद कर दिया। अभी दूसरे के गैरेज में मैकेनिक के तौर पे काम करता हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। तुम खड़े क्यों हो? बैठो। क्या लोगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं नहीं सर मैं निकलता हूँ। आपकी कोई बात नहीं सुनते और आपकी आखिरी इच्छा वाली बात तो बिल्कुल बेमतलब है। मानो देखिए बाबा आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात की है, उन लोगों ने कहा है कि अगर सही समय पे सही इलाज हो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ब्लड कैंसर है मुझे, एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो सकती। और सच कहूं अब ठीक होने की इच्छा ही नहीं है मेरी। बस तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। फिर वही बात दोहरा रहे आप। ये जिद मेरी जान के साथ ही छूटेगी मानो। अब तुम्हें ये तय करना है मेरे मरने से पहले तुम ये जिद पूरी करते हो या नहीं।
दादा आप चीटिंग कर रहे हैं। अरे मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तू चीटिंग कर रही है। दादा गलत खेल रहे हैं। बाबा देखो कितनी चीटिंग करती है। नहीं बाबा टैली के। बाबा देखो मैं जीत रहा था तो फिर। अरे 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 सूरज का देखो तो कौन आया है? सोचा कि हम आ चलते हैं और जो सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं, इसलिए हम आ गए। बहुत अच्छा किया सतीश जी आप लोग आ गए, लेकिन हमने कुछ और भी प्लान किया हुआ है। आज का खाना हम सब साथ में खाएंगे यहाँ। अरे वाह। और आई कुछ भी बनाओ हम खा लेंगे, ऐसे कुछ स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं। अरे क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ, समय कितना लगता है। तुम लोग बैठो, सबको मिठाई दे दो। मैडम आखिर नाना बोलते बोलते हाँ कर ही दी ना। तेरे तो बहुत डिमांड्स थे लड़के के मामले, मुझे लड़का ऐसा चाहिए, मुझे लड़का वैसा चाहिए। क्यों पूरे हो गए सारे डिमांड्स? बता ना कैसा है लड़का। हाँ ताई। अर्चु। हाँ आई म्याले। चल म्याले। ए मैं भी आ जाऊँ। जीजू। बेटा ये देख। अरे इसे कुछ सिखाना, आते ही कैसे धम से बैठ गई। अरे ससुराल में ऐसा करेगी ना तो मेरे नाम का उद्धार हो जाएगा। अरे वहाँ नहीं बेटा, यहाँ बैठ। आप चिंता मत करो, जब इस पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो सब कुछ सीख जाएगी। अब अपनी वर्षों को देखो ना, इसे कहाँ कुछ आता था पहले, लेकिन आज अपनी गृहस्थी पूरी अच्छी तरह से संभाल रखी है। कहाँ विनोद भाई, आई सारी गृहस्थी मैं चलाता हूँ, ये तो सिर्फ अपनी मर्जी चलती है। सतीश अरे आई का फोन है, मैं अभी आई उनसे बात करके। मंजू यही बात कर दो ना। अरे नहीं आप सब लोग खाना खाओ, मैं आती हूँ अभी। हाय मानो बेटे, वो गिरीश जी आए थे, कह रहे थे कि शादी पूरे पारंपरिक और सारे रीति रिवाजों के साथ होगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आई, मैंने आपसे पहले भी कहा है ये सब मुझे नहीं चाहिए। ये शादी हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, ये एक जिम्मेदारी है, एक समझौता है जिसे मैं निभा रहा हूं। आई देख बेटा, ये हमारी सोच है, लेकिन श्रावणी के पिता होने के नाते वो भी कहीं गलत नहीं है। मैंने कहा ना आई, ये मुझसे नहीं होगा। देख बेटा, श्रावणी को खुश रखने की जिम्मेदारी तू उठाने वाला है ना, तो तुझे हर वो चीज करनी पड़ेगी जिससे श्रावणी को खुशी मिलेगी। और कैसा है बेटा, शादी हर एक लड़की का सपना होता है, तो श्रावणी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी एक यादगार हो, हैं? और जो मैं चाहता था वो आई, मुझे क्या मिला? आई हर कदम पे अपनी इच्छा को मार के चलता रहा हूं मैं। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, है मेरी किस्मत खराब, लेकिन आई मैं भी तो पूछ सकता हूं ना कि पापा ने मेरी किस्मत ही क्यों ऐसे लिखी? नहीं, आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं सज धज के घोड़ी पे चढ़ के खुश होने का नाटक करके ये शादी करूं? आप जाओ, मैं ऐसे ही करूंगा। ऐसा नहीं है बेटा,
ऐसा मत सोच। देख देख तू ऐसा समझ कि तेरी जिंदगी में अर्चना आई ही नहीं। उसके आने से यह कौन सुखी है बेटा, बोल। अर्चना का कोई दोष नहीं आई। अगर उसकी कोई गलती है ना, तो उतनी गलती मेरी भी है। आई हम लोग नहीं चाहते थे कि ये तलाक हो, फिर भी श्रावणी को देखकर, उसके भविष्य के बारे में सोचकर हमने अपनी खुशियों का गला घोट दिया। लेकिन आज भी कोई खुश नहीं आई, कोई खुश नहीं आई। आई मेरी आत्मा मुझे कोसती आई। श्रावणी को खुश करने के खातिर मैंने मैंने पता नहीं कितनों का दिल दुखा दिया। हे आई, पापा मुझे माफ तो कर देंगे ना आई? आई पापा, जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां।